गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, जैसा कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और कल मैंने टैली के पार्ट वन वीडियो में बताया था कि अकाउंट होता क्या है। आज हम लोग जानेंगे अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अकाउंट होता क्या है। तो अकाउंट जिसको हिंदी में बोलते हैं लेखांकन, यानी लेख प्लस अंकन, यानी अकाउंट दो शब्दों से मिलकर बना है, लेख प्लस अंकन। यानी लेख मतलब होता है लिखना और अंकन मतलब होता है अंकों में। अकाउंट मतलब किसी भी कैश या पर्सन से संबंधित सारी जानकारी को रिकॉर्ड दर्शाता है। चलिए अब जान लेते हैं अकाउंट के टाइप। तो अकाउंट जो होते हैं वो आपके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्टली होता है पर्सनल अकाउंट, सेकेंड होता है रियल अकाउंट, एंड थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, दूसरा रियल अकाउंट को बोलते हैं वास्तविक खाता, एंड नॉमिनल अकाउंट जिसको बोलते हैं नाममात्र का खाता। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट वे अकाउंट जो किसी व्यक्तिगत से संबंधित होते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल, वे अकाउंट जो किसी व्यक्तिगत से संबंधित होते हैं, जैसे राम अकाउंट एंड श्याम अकाउंट। जैसे राम अकाउंट एंड श्याम अकाउंट, ये तो हम लोग जान लें कि पर्सनल अकाउंट होते हैं। वे अकाउंट जो किसी व्यक्तिगत से संबंधित होते हैं उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। एंड रियल अकाउंट कैसे कहते हैं, तो रियल अकाउंट वे अकाउंट जो किसी एसेट्स यानी जिसे संपत्ति बोलते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एसेट्स के बारे में बताऊंगा कि एसेट्स होते कितने हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं रियल अकाउंट क्या होता है। तो वे अकाउंट जो किसी एसेट्स को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। तो वे अकाउंट जो किसी संपत्ति से संबंधित होते हैं उसे रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट एंड नाउ फर्नीचर। और भी ढेर सारे अकाउंट्स होते हैं जो आपके रियल अकाउंट में होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जान लेते हैं नॉमिनल अकाउंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं नाममात्र का खाता। तो नॉमिनल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जो नाममात्र, जो किसी एक्सपेंस यानी एक्सपेंस को हिंदी में बोलते हैं खर्च से संबंधित होते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, जिसे वेजेस को हिंदी में बोलते हैं मजदूरी, यानी जो भी हम लोग एक्सपेंस देते हैं मजदूरों को वो होता है एक वेजेस अकाउंट, जो डायरेक्ट एक्सपेंस में दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, मैंने जो अकाउंट के बारे में बताया है और उसके टाइप्स। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। ओसिस इंस्टीट्यूट।